Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, and I'm your English teacher, Rupam Kumar Singh. Today, I'm going to teach you past continuous tense. So, first of all, we all will revise the spelling. P-A-S-T, past. C-O-N-T-I-N-U-O-U-S, continuous. T-E-N-S-E, tense. Past continuous tense. In which we all will read rule. So, subject, was verb, verb first form, plus ing, object, and full stop. Look, student, this one is the second form, you know. Aap kya loge, just dusra roop hai, dekhne wala. Kis chiz ka? Present continuous tense, jaisa hi ye hai. Bas isko pehchanne mein hum kya karenge? Last mein tha, thi, the, aise kuch shabd ka upyog kiya gaya rahega. एंड उसी था थे थी को बताने के लिए हमारे पास क्या होगा वाज और वर्ब बाकी आप यू कैन चेक दैट सब्जेक्ट अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता तब क्या होगा सब्जेक्ट इज एम इज एम आर बस बाकी सारा कुछ वही है जो हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है मैं इसका लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सो इसके रूल क्या है सब्जेक्ट वाज वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप एग्जांपल वे मूवी देख रहे थे वे मूवी देख रहे थे तो मैंने आपको रूल पहले ही बता रखा है आई वी यू दे ये सब प्लूरल है तो हम क्या करेंगे दे और दे से क्या करते हैं वर दे वर देख रहे थे क्या मूवी देख रहे थे ना तो देखना और यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहां पर होगा वॉच और आईएनजी वॉचिंग They were watching और लास्ट क्या करेंगे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है मूवी वे मूवी देख रहे थे देखिए अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता तो इज रहा होगा बाकी आर रहा होगा बाकी सब कुछ वैसे वैसे होता नेक्स्ट है रक्षक किताब पढ़ रही है रक्षक किसी का नाम है और ये आता है सिंगुलर में तो हम क्या करेंगे रक्षा वॉच सिंगुलर होगा तो बात आएगी प्लूरल तो बात आएगी रक्षा वॉज अब क्या होगा वॉज का फर्स्ट फॉर्म रीडिंग पढ़ रही है रीड तो रीड इधर क्या करेंगे आई एन जी रीडिंग बुक रक्षा क्या कर रही है किताब पढ़ रही है फर्स्ट स्टॉप अगर हम बोले यही बताता है कि ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाओ ठीक है रूल नंबर टू भाई ये रूल किसी का है नेगेटिव फॉर्म का इसमें क्या होगा सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट वर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर फुल स्टॉप ये चीज़ें ऐसे रूल में देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है टफ सा लगता है बट आप जब एग्जाम्पल लगाते हो तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको आ जाती है हम सो नहीं रहे थे हम सर क्या लगे वी और वी सर क्या बताया वर वी वर और मैंने क्या बताया वी वर वर नॉट वी वर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लीपिंग स्लीप होगा और आई डियर देयर स्लीपिंग वी वर नॉट स्लीपिंग अब लास्ट में ऑब्जेक्ट बस तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम क्या करेंगे वी वर नॉट स्लीपिंग वैसे ही वह पढ़ नहीं रहा था जब भी वह आया तो मैंने क्या बोला है चेक करना है कि रहा है कि रही है तो यहाँ पर रहा दिया हुआ है तो वह होगा तो वह क्या होगा ही और इधर क्या बोला है वॉज ही वॉज नॉट He was not पढ़ रहा था He was not reading. तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है अगर लिखा होता कि वो किताब नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ पर लिखते बुक ओके फुल स्टॉप अब मैं आपको बता दूँ लास्ट वीडियो का आंसर ये तो आप रिवाइज कर लीजिएगा बट ये लास्ट वीडियो का आंसर मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछा था और डेली पूछता हूँ आई केम हियर मैंने पूछा था कि किस में आता है कौन सा टेंस में आता है तो आई केम हियर देखिए यहाँ पर हमारा बहुत का सेकंड फॉर्म लगा है इसलिए ये क्या है पास्ट एंड डिफरेंट है और तब हम क्या लगाएंगे मैं आई क्या हो मैं और तुरंत क्या लगाते हैं ऑप्शन मैं यहाँ हियर हो गया और कब क्या हो आया मैं यहाँ आया देखिए पास्ट डिफरेंट टेंस का तुम पढ़े बहुत ही आसान था और तुम क्या होगा यू अब मैं इसे कैसे लगाऊंगा ये भी पास्ट डिफरेंट टेंस है इसको हम कितने आराम कर रहे हो पढ़े ए आया आया था आई थी यू रीड का जगह क्या होगा
और इस वीडियो में फिर से आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे। वह है, वह स्कूल नहीं गई थी, आई एम नॉट रीडिंग। आपको बस ये बताना है कि ये दोनों में से जो दोनों टेंस दिए हैं किस टेंस का है और कैसे रहेगा। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।